बच्चों आज हम रचनात्मक आकलन के बारे में जानेंगे। रचनात्मक आकलन में हम अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के बारे में आज जानकारी देंगे। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, इस अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में चार अंश होते हैं। हर अंश के लिए आपको पांच अंक मिलते हैं। ये है पठित पद्यांश, अपठित पद्यांश, पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश। अर्थ ग्राह्यता प्रतिक्रिया माने अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करने के लिए हम कक्षा में मौन वाचन करते हैं। पुस्तक सामने रखकर आप अंश को मौन वाचन करते हुए समझ लेना चाहिए। हर अंश को दो तीन बार पढ़कर उन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों आज हम पठित पद्यांश के बारे में जानेंगे। पठित पद्यांश, हम कक्षा कक्ष में जिस पाठ को हम पढ़ाते हैं उन्हीं पद्यों में से कुछ अंश चुनकर उसके प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे आप कंकण का अधिकारी लीजिए, एक बार आप कंकण का अधिकारी पाठ को निकाल कर पढ़िए। पहला एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। बच्चों अभी ये पद्य का अंश पढ़ता हूं, सुनिए। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। मैं और एक बार पढ़ रहा हूं, सुनिए। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। बच्चों अब आपको पांच प्रश्न दिए जाते हैं, उसका उत्तर लिखना है। बच्चों पद्यांश को आप पढ़े होंगे, अब उसके बारे में प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अर्थ का अर्थ क्या है, अर्थ का अर्थ लिखिए। यह कविता अंश कविता से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है संचित किए गए अर्थ को कौन भोगता है। चौथा प्रश्न है भाग्य शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। इस कविता के कवि कौन है। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख लीजिए। बच्चों अब तक आप प्रश्नों का उत्तर लिख चुके होंगे, यहाँ पर आपको उत्तर दिए जा रहे हैं। एक बार उत्तर पढ़ता हूँ, देख लीजिए। अर्थ का अर्थ धन है,
यह कवितांश कर्ण कल का अधिकारी पाठ से लिया गया है। तीसरा, संचित धन को भाग्यवाद के नाम पर घोषणा होता है। चौथा है, भाग्य शब्द का पर्याय नसीब है। भाग्य शब्द का पर्याय नसीब। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस तरह से आप हर प्रश्न का उत्तर एक संपूर्ण वाक्य के रूप में देना चाहिए, ना कि शब्दों के एक दो शब्दों के रूप में नहीं लिखना चाहिए, पूरे एक वाक्य के रूप में आप हर प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। और उत्तर लिखते समय आप एक अंश को ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक उत्तर के लिए आप उस पद्यांश के पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, इस तरह से आप एक दो तीन लगाकर नहीं लिखना चाहिए। आप प्रश्नों को समझकर उनका उत्तर पूरी तरह से लिखना चाहिए।